कमल और विमल दो भाई हैं, दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। दोनों के पिताजी नंदन जंगल से मशरूम इकट्ठे करके उन्हें शहर में बेचते थे। एक दिन नंदन ने सोचा कि वो अपने दोनों बेटों को मशरूम निकालना सिखाएगा। कमल विमल चलो आज मेरे साथ जंगल जाना है। अरे वाह, आज हम जंगल में खूब मस्ती करेंगे। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम वहाँ खेल कूद करने नहीं बल्कि काम सीखने जा रहे हो। कैसा काम? मशरूम इकट्ठे करने का काम। पर बाबा आपने कहा था ना कि किसी भी चीज को लेने से पहले इजाजत ले लेनी चाहिए। हम तो जंगल से मशरूम बिना इजाजत ले रहे हैं, तो ये चोरी हुई ना? नहीं बेटा, ये चोरी नहीं है। इंसान अपने जीवन के लिए जंगल से बहुत कुछ लेता है, जैसे पेड़, जानवर, जड़ी बूटी, मधु। इन्हें चोरी नहीं समझते बल्कि इन्हें हम जंगल का वरदान समझते हैं। तो भी ठीक है, चलिए अभी चलते हैं। कमल और विमल अपने पिताजी के साथ निकल पड़े। कुछ ही दूरी पे उन्हें तितली दिखाई दी और मैंने तुम दोनों को बताया था कि तुम यहाँ खेल कूद करने नहीं आए हो, पर फिर भी तुम तितलियों के पीछे भाग रहे हो। पिताजी की डांट से दोनों भाई शांत हो गए। वो लोग एक पेड़ के पास पहुँचे जहाँ बहुत सारे मशरूम थे। तुम्हें बहुत आराम से मशरूम तोड़ने हैं, हाँ? ध्यान रहे मशरूम का तना बिल्कुल न टूटे। अब हम कोशिश करते हैं। तीनों ने मिलके मशरूम तोड़े। चलो अब घर चलते हैं। आज तुम लोगों ने पहला सबक सीखा, मशरूम इकट्ठा करने से मुश्किल है उसे बेचना, इसलिए मैं इन्हें शहर ले जाकर बेचूंगा। तो क्या कल हम आपके साथ शहर जाकर मशरूम बेचना सीखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल मैं अकेला शहर जाऊंगा और तुम दोनों घर में ही रहोगे। अगली बार मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। अगले दिन नंदन शहर में मशरूम बेचने के लिए निकल पड़ा। विमल चल जंगल चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। पर पिताजी को पता चला तो डांटेंगे। उन्हें कैसे पता चलेगा, वो तो शहर से कल लौटेंगे ना, और हम शाम तक वापस आ जाएंगे। दोनों भाई जंगल पहुँचे। उन्होंने तितलियों का पीछा किया, खरगोश का पीछा किया और फिर हिरण का पीछा किया। इतनी भाग दौड़ के बाद दोनों भाई एक पेड़ के साये में सो गए। विमल उठ, जल्दी उठ। अरे ये क्या, रात हो गई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? पहले खुद उठता तब तुझे उठाता ना। लेकिन अब क्या करें, अंधेरे में घर कैसे जाएं? पता नहीं, लेकिन चलते हैं। कमल और विमल अंधेरे में चलने लगे। वो देख रोशनी, शायद वहां कोई हो जो हमारी मदद करते। दोनों रोशनी की ओर गए और अरे ये क्या, ये तो नाग है जिसके सर पे रोशनी का गोला है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम भटक गए। आपके सर पर ये रोशनी क्यों? मैं नागराज हूँ, नागमणि का रक्षक। नागराज दोनों भाइयों के पास जाता है और दोनों डर जाते हैं। तुम दोनों बहुत भोले हो और सरल भी। मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ। अपने पैरों के नीचे खोदो और जितने चाहो उतने सोने की मोहरे ले लो। दोनों अपने पैरों के नीचे खोदने लगे। तुम दोनों को कितनी मोहरे चाहिए?
मुझे अपने दोनों हाथों में एक एक मोहर चाहिए। मुझे भी। तुम दोनों सच में बहुत निर्मोही हो। लालच नहीं है तुम्हारे मन में। याद रहे, मेरे बारे में किसी को बताना मत। और नागराज वहां से गायब हो गए। कमल और विमल घर लौट आए। तुम दोनों कहाँ चले गए थे? हम यहीं खेल रहे थे। पिताजी देखिए हमें क्या मिला। अरे बाप रे, ये तो सोने के सिक्के हैं। कमल और विमल ने पिताजी को नहीं बताया कि उन्हें वो सिक्के नागराज से मिले थे और पिताजी ने सिक्कों को बेचकर एक दुकान खोल दी, जिससे अब उनकी आमदनी बढ़ गई। उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।